Hello guys, welcome to Law Tide. So today in this video I will teach you about the confession and recording of confession under section 164 CRPC. सबसे पहले समझते हैं confession क्या होता है. तो confession CRPC में कहीं भी define नहीं है, but confession मतलब होता है कबूल करना. कोई भी person जिसके ऊपर crime के charges है, वो जब कबूल कर लेता है, admission कर लेता है उन चीज़ों का कि हाँ मैंने ये किया है, ये क्राइम मैंने किया है, तो उसको हम बोलेंगे कन्फेशन करना. सेक्शन 164 बताता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट. तो 164(1) बताता है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन और स्टेटमेंट. तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन दोनों के पास पावर है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने की, भले ही उनके पास ज्यूरिडिक्शन हो या ना हो. देन बात करते हैं व्हेन कैन कन्फेशन कैन एंड स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड. तो कब कर सकते हैं, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, या फिर इंक्वायरी और ट्रायल की पहले. देन 164(2) बताता है द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट डैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड डैट इफ ही डज सो इट मे बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट हिम. एक डायग्राम के हिसाब से ये भी समझते 164(2). तो मैजिस्ट्रेट किसको एक्सप्लेन करेगा, जो भी पर्सन है अक्यूज पर्सन, उसको एक्सप्लेन करेगा कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए. अगर फिर भी वो कन्फेशन करना चाहता है तो ये जो कन्फेशन रहेगा उसके अगेंस्ट एविडेंस के उसमें पेश किया जा सकता है. और जो कन्फेशन है वो वॉलेंटरीली होना चाहिए, कोई भी प्रेशर में वो कन्फेशन नहीं करेगा. 164(3) बोलता है इफ इट एनी time before the confession is recorded the person appearing before the magistrate state he is not willing to make confession the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. agar wo nahi chahta hai ki uska confession ho to magistrate ke paas ye power bilkul nahi hai ki wo usko police custody mein bheje, matlab uski willingness se hi confession hoga, that means voluntary hoga. next baat karte hain 164 सब क्लॉज 4 बोलता है कि जो कन्फेशन है वो सेक्शन 281 में जो मैनर प्रोवाइड करा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो भी पर्सन कन्फेशन दे रहा है उसका साइन होना चाहिए, और मैजिस्ट्रेट उसमें एक फुट नोट में एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा जिसमें वो लिखेगा कि आई हैव एक्सप्लेन टू सो एंड सो नेम डेट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन. मैंने इनको समझा दिया है कि ये कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, और अगर ये कन्फेशन करते हैं तो एविडेंस के रूप में ये उसके अगेंस्ट पेश किया जा सकता है. और मैजिस्ट्रेट बोलता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो कन्फेशन है ये वॉलेंटरीली हो रहा है, मेरी प्रेजेंस में हो रहा है, मैं ये सुन रहा हूँ और मैं ये इसको पढ़ के सुना रहा हूँ. इट एन एडमिट बाय हिम टू बी करेक्टेड एंड इट कंटेन फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय हिम. और ये जो भी बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं, और नीचे मैजिस्ट्रेट के साइन हों. सेक्शन 164(5) में बोला है कि एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन made under subsection shall be recorded in such manner hereinafter provide for the recording of evidence as in the opinion of magistrate best fitted to the circumstances of the cases. ki jo bhi statement yahan par record kiye jayenge wo other than confession hona chahiye main cheez, aur jo bhi evidence yahan par record kiye jayenge to magistrate ke opinion mein aisa hona chahiye ki wo best fitted ho जो भी सर्कमस्टांसेस है उस केस के उसके अकॉर्डिंग. और मैजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि वो उस पर्सन को शपथ दिला सके, डेट मीन्स वो दिला सके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते टाइम. सेक्शन 164 सबसेक्शन 6 बोलता है कि जो भी मैजिस्ट्रेट इसमें कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा तो वो जो कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट है, जो भी केस की इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है, उसको वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड करेगा. इसमें यही बोला गया है द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट बाय होम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इन टू और ट्रायड. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना.